शुक्रवार को हमीरपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा के मंत्रियों पर निशाना साधा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा के मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल में कोरोना फैलाने में कैरियर्स का काम कर रहे हैं। वे आइसोलेट होने की बजाय जनता से खुलेआम मिल रहे हैं, जिन पर सरकार द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। वहीं कुलदीप राठौर के इस बयान पर पलटवार करते हुए पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुलदीप राठौर तो स्वयं आइसोलेट हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के अलावा वरिष्ठ नेता भी पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हमीरपुर दौरे के दौरान भाजपा के कैबिनेट मंत्रियों को कोरोना वाहक कहा है। कुलदीप ने कहा कि कोरोना महामारी के हिमाचल में दिन प्रतिदिन केसों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि भाजपा के मंत्री हिमाचल में आइसोलेट होने के बजाय कोरोना कैरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि जहां प्रदेश में सैनिक सीमा पर शहीद हो रहे हैं, जिस कारण प्रदेश में गम का माहौल है और प्रदेश के मंत्री पद मिलने पर जश्न मना रहे हैं। जो जिस दिन हमारा प्रदेश में दो लोग शहीद हुए, उस दिन प्रदेश में जश्न हो रहा था कि मंत्री बने। शर्म आनी चाहिए इनको। जिस ढंग से अभी सुखराम चौधरी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पूरे सिरमौर में आज लोगों में दहशत है, क्योंकि हर जगह जश्न में वो शामिल थे और उस जश्न में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और उन्हें चाहिए था कि वो अपने आप को एकदम आइसोलेट करते और वो जाके सीधा धर्मशाला पहुंच गए। तो मुझे तो लगता कि ऑल ऑफ दीज बीजेपी पीपल दे आर कैरियर ऑफ कोरोना। जिस ढंग से कोरोना को पला रहे, इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं पंचायती राज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार लोगों की हिफाजत के लिए काम कर रही है। कंवर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे तो उसमें आइसोलेट हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के अलावा वरिष्ठ नेता भी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वे अकेले ही चले हैं और उनकी सोच नकारात्मक है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे और इस बार के चुनावों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना जो है वो एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, और इसमें अभी कोई दवाई जो है वो और वैक्सीन जो है वो नहीं निकली है, और पूरे जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि अब कोरोना के साथ ही हमको चलना है। पूरा देश जो है इसके साथ जो है वो आज चल रहा है। हमने जहां कोरोना से भी लड़ना है और साथ में अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखना है, आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को, जो दो गज की दूरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और साथ में फेस कवर लगा करके बार बार साबुन के साथ हाथ धो करके। लेकिन आज कांग्रेस की ये दुर्गति है कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं, उनके अपने भी लोग उनको चिमटे के साथ भी छूना पसंद नहीं कर रहे हैं, इस करके वो अपने आप ही आइसोलेशन में हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है, उससे मिलने के लिए कोई भी जो कांग्रेस का ग्रुप है, ना उनको सुखू पसंद करता है, ना ही उनको कॉल सिंह पसंद करते हैं, ना ही उनको आशा कुमारी पसंद करती हैं, और ना ही उनको वीरभद्र सिंह पसंद करते हैं। वो अकेले चले हैं और इस करके उनकी सोच नकारात्मक है। वो रात को रात भर सोचते ये रहते हैं कि मुझे कल मीडिया में क्या नकारात्मक जो है वो न्यूज़ जो है वो लगानी है। आज पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और साथ में अपनी आर्थिक जो गतिविधियां हैं, सामाजिक राजनीतिक सब जारी रहेंगी। आने वाले समय में पंचायत के चुनाव भी होंगे और जो भी हमारा प्रदेश का कार्य है वो सफर नहीं करना है, लेकिन साथ में हम कोरोना से भी लड़ाई लड़ेंगे।